नमस्कार, प्रकाशक के मंच पर एक नए प्रयास के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। और आज का ये प्रयास है बैठक। बैठक ऐसी जहां पर कुछ दिल की बातें हों, कुछ मन की बातें हों, कुछ किस्से कहानियां हों। और किस्से कहानियों की जब बात आती है तो बिल्कुल उत्सुकता जाती है कि क्या बात होने वाली है। बहरा जो बात होगी वो तो अभी आपके सामने होगी। हम बता दें आज की ये शाम हमेशा की तरह डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी, रूटर सवेरा फोरम, अद्यतन कला संगम, पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क और वाइटिंग एंटरटेनमेंट के सहयोग से सजाई गई है। और इस प्रोग्राम के साथ हम बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि जो ये आज की बैठक है इसमें थोड़ी हंसी कहे गूंजे और आप भी एक अच्छा सा मन लेकर आज की शाम गुजारें। तो अब सबसे पहले जो मंच पर हमारे साथ हैं उन सबसे आपका परिचय करा देते हैं। मैं सिर्फ नाम बताऊंगी, परिचय वो लोग खुद देंगे। हमारे साथ हैं आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं लेखिका पूनम अहमद जी। पूनम अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम मित्तल जी जो कहानी पढ़ेंगी। पूनम मित्तल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं पूनम पाठक जी। पूनम पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कहानी है हम तीन, और हम तीन की तीन देवियां हमारे साथ हैं। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पूनम अहमद जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। पूनम अहमद जी, आप सभी का मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबका हमारी इस पहली बैठक में स्वागत करती हूँ। अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं पूनम अहमद, मेरा जन्म स्थल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। अब मैं काफी समय से मुंबई में ही रह रही हूँ। बचपन से ही लिखने पढ़ने का तो बहुत शौक था। अब 15 सालों से लेखन की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, हम तीन, ये कुछ साल पहले ग्रह शोभा में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी कहानियों के विषय मेरे आसपास के ही होते हैं। इस कहानी की प्रेरणा भी मिली अपनी बेटी से। वो 10th की अपनी रियूनियन की पार्टी से वापस आई थी और बहुत खुश थी। तब इस कहानी का आइडिया मुझे वहीं से आया था। आज मुझे इस पहली बैठक का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है। यह हमारा पहला प्रयोग है। आशा करती हूँ आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगी पूनम पाठक जी से कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेह वंदन। मैं पूनम पाठक, इंदौर से। पैदाइश लखनऊ की है और एमकॉम किया है। पढ़ने का शौक तो बचपन से ही रहा, पर लिखना अभी कुछ सालों पहले ही शुरू किया है। कहानी हम तीन करते समय बहुत बहुत मजा आया, क्योंकि सुकन्या का इमोशनल किरदार कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी मौजूद है। हमारी बैठक का पहला प्रयास तभी सफल होगा जब आप सभी अपनों की दुआओं का साया साथ होगा। दोस्तों, आज के भयावह व्यथित कर देने वाले दौर में मेरी कलम से माना है कठिन वक्त मगर ये भी गुजर जाएगा। हमने माना है कठिन वक्त मगर ये भी गुजर जाएगा। अपने तीर आह से दिल ये न खौफ खाएगा। बदलेगा वक्त बदलना तो इसकी फितरत है। अपने सपनों का जहां फिर से मुस्कुराएगा और फुहारे नींद की फिर बरस बरस जाएंगी। हुई जो आंखें नम खुशियों से झिलमिलाएंगी। बांट लो मिलके कोई गम हो या खुशी यारों, बांट लो मिलके कोई गम हो या खुशी यारों। जी लो इन लम्हों को ये घड़ियां फिर ना आएंगी। जी लो जी भर के ये घड़ी
आएंगी। शुक्रिया दोस्तों। वाह क्या बात है। और अब शोक सी चुनकुली सी हमारी कहानी की तीसरी जो किरदार है पूनम मित्तल जी, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। हाय एवरीवन, मैं पूनम मित्तल, मैं इलाहाबाद से हूँ और इस कहानी में मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ अनीता का, वो काफी कुछ मेरे जैसी है या मैं उसके जैसी हूँ। बड़ी ही मस्त मौला सी है, नई नई चीजें करती रहती है, थोड़ी होशियार सी है। अपनी तारीफ कर रही हूँ तो ये भी एक नया प्रयास है कि चलो भाई ऑनलाइन कहानी सुनाया जाए दोस्तों को। और इस कहानी में जो तीन पात्र हैं, मतलब तीन मेन कैरेक्टर्स लाइक मीनू, सुकन्या और अनीता, इतनी मजेदार एक बात है कि रियल लाइफ में इन तीनों के नाम पूनम है। तो हमें रिहर्सल में बहुत मजा आया क्योंकि जब हमारी डायरेक्टर हमको कहती थी पूनम, तो हम तीनों अलर्ट हो जाते थे कि किसको करेक्ट कर रही है। अल्टीमेटली वो हमारे कैरेक्टर के नाम से बुलाने लगे और घर में भी लोग कहने लगे अनीता सुनो। बैठक का राजू जी का प्रयास है, ये एक्सीलेंट प्रयास है उनका, समझ लीजिए लॉकडाउन में घर बैठे लोगों को एंटरटेन कर रही है। अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे हम आपको और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लेके आएंगे और आपका प्यार इसी तरह पाते रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, हम बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका, मतलब अनीता आपका। संजीव जायसवाल जी आपका बहुत स्वागत है, सुधा जुबरान जी भी साथ में हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वकार रहमान साहब हैं, पद्मा अग्रवाल जी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिना अहमद है, स्वागत है। पल्लवी पुनीर वेलकम। रेणु मंडल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं इस समय सुनीता जी हैं, सुनीता महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी, बहुत अच्छी कथाकार हैं ये भी। मीनू मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रंजना जायसवाल, स्वागत है। और रूपम श्रीवास्तव है हमारे साथ, स्वागत है रूपम। साहिल अहमद जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी रचनाकार हैं ये भी। सुधा आदेश जी, बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है नीलम सौरभ जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला, आपका बहुत 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 स्वागत है। और मधु श्रीवास्तव जी, स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े। सुधा कसेरा जी, स्वागत है। चारुल मोदी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस समय पवित्रा अग्रवाल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधा कसेरा जी का नाम शायद मैंने नहीं लिया, आपका स्वागत है सुधा जी बहुत। और पद्मा अग्रवाल जी हैं। तो अब आप सभी का जो यहाँ पर हमारे साथ मंच पर जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। दीप्तिश मानखेड़े इनका नाम अभी मुझे नजर आया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश लहरी जी हैं, स्वागत है महेश जी आपका भी बहुत। मीनू त्रिपाठी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। पूनम श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत। तो हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत जिस तरह से होगी, रंजना जायसवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत एक कहानी से होने वाली है और उस कहानी के बारे में जैसा कि पूनम अहमद जी ने बताया, हम तीन कहानी का नाम है और बहुत खूबसूरत सी कहानी है। उस कहानी में जो तीन पात्र हैं वो तो आपको नजर आ रहे हैं, चौथी मैं मिसलेनियस कामों के लिए हूँ, मैं कभी भी कुछ बन जाऊंगी तो मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। प्रमिला भारती जी हैं, स्वागत है प्रमिला जी आपका बहुत। और हैं सुधीर कुमार राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब आज की इस कहानी की शुरुआत करें, पूनम अहमद जी शुरू करें। हम जी जरूर शुरू करती हूँ। स्नेहा ने कॉलेज से आते ही मुझे बताया, माँ पता है हमारी 10वीं कक्षा का रियूनियन होने वाला है। माँ बहुत मजा आने वाला है, पता है
नीता, रिंकी, मोना सब आ रही हैं रियूनियन के लिए और सब आ रही हैं कोटा से। सोचो जरा कितना मजा आएगा, एक बड़े से होटल में डिनर है, पार्टी है और हम सब उसमें बहुत मजा करेंगे, आएगा बहुत मजा आएगा। मां मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं उसे चहकते देख रही थी। उसकी खास सहेलियां नीता, रिंकी, मोना कोटा में इंजीनियरिंग कर रही हैं। स्नेहा फिर बोली, माँ आता है ना, आप कुछ बोल नहीं रही हैं, मजा आता है ना बहुत, सब जब सहेलियां मिलती हैं तो बहुत मजा आता है ना। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से ठंडी सी सांस निकली। हाँ आता तो है। स्नेहा मेरे पास बैठ गई। माँ आपकी भी तो सहेलियां दोस्त रहे होंगी, आपको उनकी याद नहीं आती? आती तो है, लेकिन शादी के बाद लड़कियां अपनी अपनी गृहस्थी में खो जाती हैं, चाह कर भी कहाँ एक दूसरे से मिल पाती हैं। क्या बात करती है माँ, इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों से मिलना। आप नानी के घर तो जाती है ना, तब किसी दोस्त से मिलने की कोशिश नहीं करती? हाँ मैं जाती हूँ, तो वो लोग थोड़ी होती है वहाँ, वो अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाकर मायके आती है। अरे माँ कोशिश तो करिए, अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने की एक बार कोशिश कीजिए, देखिएगा आपको भी बहुत मजा आएगा, लाइफ में ना एक चेंज आएगा। मेरी मानिए आप भी एक रियूनियन ट्राई कर लीजिए। स्नेहा तो कहकर फ्रेश होने चली गई। दो चेहरे मेरी आंखों के आगे तैर गए, क्यों ना मैं भी सुकन्या और अनीता से मिलूं? लेकिन मैं यहाँ मुंबई में, सुकन्या इलाहाबाद में और अनीता दिल्ली में है। 20 साल से तो हम टच में है नहीं। माँ के यहाँ जाती हूँ तो माँ से ही उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। अब थोड़ा अजीब तो लगेगा ना, अब किसका कितना नेचर बदल गया हो, क्या पता कोई मिलने में इंटरेस्ट दिखाएगा भी या नहीं। खैर पहल तो करके देखनी चाहिए, ये कोशिश करने में क्या हर्ज है। बस मन इसी बात में उलझ कर रह गया। अमित ऑफिस से आए, मुझे थोड़ी देर देखते रहे, फिर बोले, हेलो भाई बीनू, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहकर टाल दिया। डिनर के समय नेहा और राहुल ने भी मुझे टोका। माँ क्या बात है, अब बहुत चुप चुप सी हो। मैंने उन्हें भी टाल दिया, मैं अभी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, पहले अपनी फ्रेंड्स का पता तो कर लूं। अगले दिन सबके जाने के बाद मैंने लखनऊ माँ को फोन कर अपने मन की बात बताई, वो तो हंस पड़ी। अरे मीनू बेटा तूने तो ये बहुत अच्छा सोचा, हाँ बना लेना प्रोग्राम, बना ले बना ले। पर माँ मेरे पास उन दोनों के नंबर नहीं है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं उनके घर से फोन नंबर लाकर तुम्हें बता दूंगी। मैं बेफिक्र हो गई। आधे घंटे में ही माँ ने मुझे दोनों के फोन नंबर लिखवा दिए। सुकन्या हमारी गली में ही तो रहती थी और अनीता दो गलियां छोड़कर। मैं दोनों से बात करने के लिए बेचैन हो गई। मेरी आवाज दोनों नहीं पहचानी, लेकिन जब उस उम्र के खास कोड वर्ड, खास किस्सों का संकेत दिया तो दोनों चहक उठी। हमने कितने गिले शिकवे किए, कभी याद ना करने के उलाहने दिए और फिर मैंने जब अपना प्रोग्राम बताया तो दोनों एकदम तैयार हो गई। लेकिन अब परेशानी ये थी कि अनीता थी टीचर और सुकन्या मेरी तरह हाउसवाइफ। अब तय हुआ कि अनीता छुट्टियों में ही लखनऊ आ सकेगी। रात को जब हम चारों साथ बैठे तो मैंने कहा, अमित आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बच्चों के कान खड़े हो गए। अमित ने कहा, जरूरी बात, हाँ हाँ बोलो भाई मीनू क्या बात है। मुझे भी अपनी फ्रेंड से मिलने माँ के यहाँ जाना है, मेरा भी रियूनियन का प्रोग्राम बन गया है। भाई स्नेहा तुम अपनी मम्मी को क्या पट्टे पढ़ा देती हो, देखो भाई वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है। क्यों पापा, उनकी भी तो लाइफ है, सारा दिन क्या हमारे आगे पीछे घूमती रहेंगी? अरे उनका भी फ्रेंड सर्किल रहा होगा, उनका भी मन करता होगा। माँ आप सबको छोड़िए, मुझे बताइए क्या सोचा है आपने। मैंने तीनों को सुकन्या और अनीता से हुई बातचीत के बारे में बता दिया। हंसी खुशी मेरा प्रोग्राम बन गया। राहुल उसे अलग ही चिंता थी, बोला, मम्मा आप तो सब ठीक है पर हमारे खाने का क्या होगा? अरे हो जाएगा, लता भाई से कर ली है बात, वो दोनों टाइम आकर खाना बना देगी। बस अमित ने 2-3 दिन बाद ही मेरी फ्लाइट बुक कर दी।
मैंने सुकन्या और अनीता को भी बता दिया था। अब हम तीनों फोन पर टच में रहते हैं। बहुत अच्छा लगने लगा। सुकन्या के पति सुधीर बिजनेसमैन है, उसकी भी एक बेटी और एक बेटा है। अनीता के पति विनय डॉक्टर है और उनका इकलौता बेटा नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा है। हम तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। 12वीं क्लास तक तो हम एक ही साथ थे, बाकी लड़कियां हमें तीन देवियां कहती थी। 12वीं क्लास के बाद बीए में हमारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए थे। सुकन्या की शादी तो बीए के बाद ही हो गई, अनीता और मेरी एमए करने के बाद। अनीता ने इंग्लिश में एमए किया था और मैंने फाइन आर्ट्स में। और वो दिन याद आए तो साथ में और भी बहुत कुछ चाहा अनचाहा याद आने लगा। अब तो हम तीनों की शादी को 20-22 साल हो गए हैं। अब उस उम्र की बातें याद करते हुए कुछ अजीब सा तो लगने लगा। और जब विनोद का ख्याल आता है तो मेरे मन का स्वाद कसैला हो जाता है। अच्छा ही हुआ उस लालची इंसान का सच जल्दी सामने आ गया। मेरी माँ उसके दहेज के लालच को कहाँ पूरा कर पाती। पिता का साया तो मेरे सिर से कम उम्र में ही उठ गया था। अब जब से अमित से शादी हुई है, कुदरत को धन्यवाद देते नहीं थकती मैं। और सुकन्या ने अनिल को कैसे भुलाया होगा। अनिल और सुकन्या बीए में एक ही साथ थे। धीरे धीरे जब दोनों के प्रेम के चर्चे होने लगे तो बात सुकन्या के घर तक पहुंच गई थी। और फिर सुकन्या की शादी बीए करते ही कर दी गई। अनीता और मुझसे सुकन्या के आंसू देखे नहीं जाते थे। वो बार बार मरने की बात करती और हम उसे समझाते रहते। उधर अनिल का हाल कॉलेज में एक मजनू की तरह था। हम जब भी उसे देखते बड़ा तरस आता। पहले सुकन्या फिर मेरी शादी हो गई। अनीता शुरू से जानती थी अगर उसके घर में किसी को भी उसके कोई प्यार व्यार का चक्कर सुनने को मिलेगा तो उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, इसलिए वो हमेशा इन चक्करों से दूर रही। बस हंसते हुए हमारे किस्से सुनती। और अब तो हम अपनी अपनी गृहस्थी में वे किस्से वे बातें सब भूल चुके थे। छुट्टियों तक का समय बड़ी बेसब्री से बीता। अमित और बच्चे मेरे एक्साइटमेंट पर हंसते रहे। तय समय पर मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर पहुंच रही थी। मेरा शहर आ गया था, मेरी जन्मभूमि। यहाँ की मिट्टी में मुझे अपनी ही खुशबू महसूस होती है। यहाँ की हवा में मैं माँ जैसा अपनापन महसूस करती हूँ। मेरे चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ जाती है, जैसे मैं अभी फिर एक यंग गर्ल बन गई हूँ। और वैसे भी मायके आते ही एक धीर गंभीर महिला भी यंग गर्ल ही तो बन जाती है। घर पहुंचकर फ्रेश होकर खाना खाया। माँ और रेनू भाभी ने पता नहीं कितनी चीजें बना रखी थी। मैं सबके साथ थोड़ी देर बैठकर सुकन्या के घर जाने के लिए तैयार हो गई तो भाभी ने हंसते हुए कहा, मीनू दीदी देखिए सहेलियों में हमें मत भूल जाइएगा। सब हंसने लगे। अनीता भी वहीं आ चुकी थी। अपने अपने मोबाइल पर हम लगातार टच में थे। हम तीनों ने जब 20 साल बाद एक दूसरे को देखा तो मुंह से बोल ही नहीं फूटे। फिर बिना कुछ कहे भीगी आंखें लिए हम तीनों एक दूसरे के गले लग गई। सुकन्या के माता पिता और भाई हमें लगातार देख रहे थे। फिर तो बातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया और कब लंच टाइम हो गया पता ही नहीं चला। तभी सुकन्या की भाभी ने आकर कहा, अरे भाई तीन देवियों खाने का समय हो गया है, खाना लग गया है, पहले खाना खा लो। तुम्हारी बातें तो अभी खत्म नहीं होने वाली, चलो 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 पहले खाना खा लो। दिन भर साथ रहकर हम तीनों शाम को अपने अपने घर आ गए। माँ मेरा इंतजार कर रही थी, देखते ही बोली, ये क्या मीनू बेटा, पूरा दिन तूने वहीं बिता दिया, मैं यहाँ इंतजार करती रह गई। भाभी भी कहने लगी, देखिए मीनू दीदी अब आप कल कहीं नहीं जाएंगी है ना, अगर आपको उनसे मिलना है तो उन्हें यही बुला लीजिएगा, वरना फिर आज की तरह हम इंतजार करते रह जाएंगे। और ऐसे भी आप एक ही हफ्ते के लिए तो आई हैं, पूरा दिन वहीं रहेंगी तो कैसे चलेगा है, बताइए ना। ठीक है, अच्छा ठीक है। रात को अमित और बच्चों से बात की। अमित ने आदतन पूरे दिन का हालचाल पूछा। सुबह 10 बजे सुकन्या और अनीता आ गए। पहले हम साथ बैठकर गप्पे मारते रहे, फिर भाभी के मना करने पर भी किचन में उनका लंच तैयार करने में हाथ बटाया। फिर हम तीनों मेरे कमरे में आ गए। मेरा कमरा अब मेरे भतीजे यश का स्टडी रूम बन गया था। छुट्टी थी वो तो खेलने में बिजी था। हम तीनों आराम से लेटकर अपनी अपनी फैमिली की बातें एक दूसरे को बताने लगे। बात करते करते मैंने नोट किया कि सुकन्या कुछ उदास सी है। क्या हुआ सुकन्या? कुछ नहीं। सुकन्या हमें नहीं बताएगी? कुछ नहीं रे, तुम लोगों को तो वहम हुआ है।
अरे हम इतनी दूर से एक दूसरे से मिलने आए हैं, क्या हम एक दूसरे से पहले की तरह अपने दिल की बात नहीं कर सकते? सुकन्या पहले तो गुमसुम सी बैठी रही, फिर बहुत ही उदास स्वर में बोली, यार अनिल को नहीं भुला पाई मैं। क्या 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 कह रही है तू? हाँ, अपने असफल प्यार की गहराई को दिल में लिए एक नॉर्मल लाइफ जीना अंगारों पर चलने जैसा ही मुश्किल है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बस दो हिस्सों में बटी जिए जा रही हूँ, अब तो उम्र भी अपनी ढलान पर है लेकिन मन वही ठहरा है। अनिल से दूर मन कहीं लगा नहीं, इतने सालों से जैसे दो नावों की सवारी करती रही हूँ, बस बच्चा खुचा जीवन भी ऐसे ही जी लूंगी। जो प्यार मिलने से पहले ही खो गया हो कैसे जी लिया जाता है उसके बिना, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने ये सब झेला हो। पता है सुधीर के पास होती हूँ तो अनिल का चेहरा सामने आ जाता है, और जब भी यहाँ आती हूँ मेरा मन और उदास हो जाता है। मैं और अनीता हैरानी से सुकन्या को देख रही थी, हमें तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी सीरियस होगी। ये क्या हो गया, हमारी प्यारी सहेली 22 साल से इस मनोदशा में है? मैं और अनीता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम जानते थे सुकन्या शुरू से ही बहुत इमोशनल है, लेकिन ये तो आज भी वैसे ही थी। सुकन्या कह रही थी, यहाँ आने पर मेरे सामने अतीत के सारे मधुर पल जीवंत हो उठते हैं। आज भी आंखें बंद कर उस सुखद समय का एक एक पल जी सकती हूँ मैं। सुकन्या, यहाँ आने पर तो कभी अनिल से मिली है? नहीं, तो मिलना है उससे। अनु पागल हो गई है क्या? अरे इसमें पागल होने की क्या बात है भाई, सुकन्या अनिल के लिए आज भी उदास है तो क्या उससे एक बार मिल नहीं सकती? अरे नहीं। उसे एक बार देख लेगी तो शायद इसके दिल को ठंडक मिल जाए। नहीं यार, रहने दो, अब मिलकर होगा भी क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं चुप रही। पता नहीं अनीता ने क्या सोचा था। सुकन्या ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों मीनू, तू क्या कहती है? देख जैसा तेरा दिल चाहे। लेकिन मैं उससे मिलूंगी कहाँ? अरे मुझे उसके घर का पता है, बुआ जी की बेटी उसी कॉलेज में पढ़ाती है जहाँ अनिल भी प्रोफेसर है। मेरे तो हाथ पांव अभी से कांप रहे हैं, कैसा होगा वो, क्या कहेगा मुझे देखकर, पहचान तो जाएगा ना? पहचान तो जाना चाहिए, तू उसकी याद में आज भी वैसी होगी, सूखी मरियल सी। अरे जाओ, तेरी तरह सेहत बनानी भी नहीं है मुझे। अनीता का शरीर कुछ ज्यादा ही भर गया था। हाँ हाँ ठीक है भाई, मुझे अपनी सेहत से कोई शिकायत नहीं है, ये तो मैं अपने पति के प्यार में थोड़ा फूल फल गई हूँ। वैसे हम तीनों के पति हैं बहुत अच्छे, जो हमें एक दूसरे से मिलने भेज दिया है ना। पर हाँ, हमारी ये सारी बातें सुन ले ना तो हैरान रह जाएंगे, स्पेशली ये सुकन्या के बच्चे अपनी माँ के प्यार के किस्से सुनकर ना स्कैंडलाइज हो जाएंगे। खुद मेरा मजाक उड़ा। चलो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। अगले दिन हम तीनों पहले मार्केट गए, वहाँ सुकन्या ने अनिल को देने के लिए गिफ्ट खरीदे। सुकन्या बहुत इमोशनल हो रही थी, अनीता और मैं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पा रहे थे। अनीता ने मेरे कान में कहा, यार ये तो बिल्कुल नहीं बदली, पहले की तरह एक बात पर हफ्तों खुश। हाँ, लेकिन तुमने इसे अनिल से मिलने का आइडिया क्यों दिया? अरे भाई टीचर हूँ, बिगड़े बच्चों को सुधारना मुझे आता है, और इसे तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ये लड़की जितनी ब्यूटी कॉन्शियस है ना उसका मुझे पता है। और पता है मैंने अनिल को देखा था 6 महीने पहले एक शादी में। अच्छा, कोई बात हुई थी क्या? नहीं यार, मौका ही नहीं लगा। अच्छा चुप कर, अपनी सहेली की शॉपिंग पूरी हो गई है शायद, पता नहीं कितने रुपए फूक कर आ रही है मैडम। सुकन्या पास आई तो हमने पूछा, क्या क्या खरीद लिया सुकन्या? अरे कुछ खास नहीं, अनिल के लिए एक ब्रांडेड शर्ट ली है, एक परफ्यूम लिया है, एक बहुत ही सुंदर पेन, और उसकी पसंद की मिठाई भी।
अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो जल्दी करो, प्रोफेसर साहब घर आ गए होंगे। शाम के 4 बजे थे, हम तीनों पैदल ही साकेत चल पड़े। अनीता ने गली में दूर से ही एक घर की तरफ इशारा किया। यही है अनिल का घर, और वो जो बाहर स्कूटर खड़ा कर रहा है ना, शायद अनिल ही है। हम तीनों के कदम थोड़े तेज हुए। अरे हाँ सुकन्या, अनिल ही है। सुकन्या ने ध्यान से देखा, अनिल किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो ऐसे खड़ा था कि हमें उसका साइड पोज दिख रहा था। सुकन्या के कदम ढीले पड़ गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, OMG, ये मोटा सा गंजा आदमी अनिल कैसे हो सकता है, लेकिन शक्ल तो मिल रही है ना। सुकन्या यही है तेरा हैंडसम सा प्रेमी, जिसका साथ पाने की इच्छा तेरा पीछा आज भी नहीं छोड़ रही है, और जिसके सामने अपने पति का अथाह प्यार भी तुझे तुच्छ सा लगता है। सुकन्या अचानक वापस मुड़ गई। मैंने कहा, क्या हुआ, अनिल से मिलना नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा तेज नहीं चल सकती तुम दोनों, जल्दी चलो यहाँ से। चलो चलो किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठते हैं। हमने वहां बैठकर कॉफी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। हमारी हंसी नहीं रुक रही थी, सुकन्या का चेहरा देखने लायक था। बेचारी सुकन्या, इतने साल पुराने प्यार का अंजाम हुआ भी तो किस रूप में। अरे ठीक हो जाओ तुम, और मुझे सताना भी बंद करो। अपनी सारी कल्पनाओं को वही उसी गली में दफन कर आई हूं मैं। पहली बार मुझे मेरे पति सुधीर बहुत याद आ रहे हैं, बस अब जल्दी से उनके पास पहुंचना है। वाह क्या बेसब्री है यार, तुम्हारे प्यार का भूत तो बहुत तेजी से भागा। अब हम तीनों की हंसी नहीं रुक रही थी, हम बहुत हंसे। इतना हंसे पता नहीं कितने साल हो गए थे। मैंने कहा, सुकन्या और ये जो तुमने गिफ्ट खरीदे इनका क्या होगा? अजीब होगा क्या, शर्ट सुधीर पहनेंगे, मिठाई घर जाकर हम सबके साथ खाएंगे, परफ्यूम और पेन मैं अपने बेटे को दे दूंगी। हाँ देनी पड़ेगी, अनिल को तो ये शर्ट अब आती भी ना। वही तो। मुझे और अनीता को जैसे हंसी का दौरा पड़ गया था। सुकन्या की शक्ल देखकर हम इतना हंसे कि हमारी आंखों में आंसू आ गए। सच, अगर हमारे बच्चे हमारा ये रूप देखते तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आता। ये तो अच्छा था कि इस समय रेस्टोरेंट में एक दो लोग ही थे, और हम बैठे भी जरा एक कोने में थे। वेटर बेचारा हमारी शक्लें देख रहा था। खैर, खा पी कर हम अपने अपने घर चले गए। गिने चुने दिन थे, जाने का दिन भी पास आ रहा था। अगले दिन हम तीनों ने फिर खरीदारी की। माँ के लिए, भैया भाभी और यश के लिए कुछ कपड़े खरीदे। उन दोनों ने भी इसी तरह का सामान लिया। फिर जब हम तीनों साथ बैठे तो सुकन्या के दिल में आया कि थोड़ा मुझे भी छेड़ा जाए। कहने लगी, क्यों भाई बीनू, विनोद कहाँ है आजकल, कुछ पता है? सुन, हाथ जोड़े मैंने, बाबा मेरी इस बात में जरा भी रुचि नहीं है, मुझे माफ करो तुम लोग। तो विनोद का भी कायाकल्प देख लिया जाए। ना भाई, ये बढ़ गया, रहने दो, अभी इसको देखकर छेड़ा है। फिर हम तीनों ने तय किया कि अब जब भी पॉसिबल होगा हम मिलते रहेंगे। एक बार फिर पुराने समय में लौटकर बहुत मजा आया। जाने का दिन आ गया, भीगी आंखों से एक दूसरे से विदा ली। माँ और भाभी ने पता नहीं कितनी चीजें बांध दी थी। सबसे पहले मैं ही निकल रही थी। अनीता को एक विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिन और रुकना था। सुकन्या को लेने सुधीर आने वाले थे। माँ और भाभी प्यार भरी शिकायत कर रही थी कि मैं फ्रेंड्स के साथ ही घूमती रही। बहुत अच्छा समय बिताकर मैं लौट रही थी। मुंबई जाकर स्नेहा को इस रियूनियन का आइडिया देने के लिए, गले से लगाकर थैंक्स कहने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। सच, बहुत मजा आया था। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर कहानी और बहुत अच्छी ढंग से आप लोगों ने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि हाँ, हमारे जो साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा है। सुधा जुगरान जी कह रही है, बेचारी सुकन्या का, बेचारी सुकन्याओं के यही हाल होते हैं, बहुत रियल स्टोरी। सुनीता माहेश्वरी जी ने कहा है कि प्यार का भूत तेजी से भागा, वाकई बहुत तेजी से भागा। मंडल जी ने कहा कहानी अच्छी लगी,
और सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी ने कहा है, जीवन की सच्चाई का इतना सुंदरता से वर्णन कि आपके साथ हम भी हंसे बिना ना रह सके। और ये पल्लवी पुनीर जी का कमेंट है, आप तीनों कमाल का अभिनय कर रही हैं, लग रहा है थिएटर देख रहे हैं। और राजू जी, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। और पवित्रा अग्रवाल जी को भी बहुत रोचक लगी कहानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रूपम श्रीवास्तव जी ने भी यही कहा है, पद्मा अग्रवाल ने कहा है बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया पद्मा जी। और पूजा स्वराज जी ने ओ लिखा है, हाँ सच में एक ओ ही बच जाता है। और कुलिश जोशी जी ने कहा है, बहुत सुंदर रचना और मजा आया, शुक्रिया कुलिश जी। पूजा स्वराज जी पूछ रही है ग्रुप के बारे में, बिल्कुल हम अभी बताएंगे आपको ग्रुप के बारे में। और नीलम सौरभ जी ने कहा है, राजू जी का इच्छाधारी रूप भी अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग थी कि इच्छाधारी रूप धारण करना पड़ा, कभी माँ बेटी और भाभियां भी मैंने, कई सारी भाभियां बन गई और बहुत सारा वो हुआ, तो ये तो भाई वक्त की मांग थी। और मिनी त्रिपाठी जी ने कहा बहुत खूब कहानी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलिश जी ने लिखा है, सभी का अभिनय बेहतरीन रहा, बहुत खूबसूरत निर्देशन हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद कुलिश जी आपका। सुधा जुगरान जी, पूनम पाठक तुम्हें पहली बार देखकर बहुत अच्छा लगा, पूनम जी आपके लिए भी तारीफ आई है। और किसी ने सुनीता माहेश्वरी जी ने कहा है, अनीता जी कमाल का अभिनय, देखिए आप लोग के नामों से सुनने वाले भी धोखा खा रहे हैं। तो जी आप हमारे सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोल दीजिए, मेरे सारे इलाहाबाद के फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे और जो बाहर हैं, तो आप बोल दीजिए पूनम मित्तल के जितने फ्रेंड्स हैं उनको थैंक यू। पूनम मित्तल के जितने फ्रेंड्स हैं, और अब तो पूनम मित्तल आपके साथ इस मंच पर जुड़ने वाले सभी लोग आपके फ्रेंड हो गए हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल त्रिपाठी जी ने कहा है, अभिनव प्रयोग शानदार, इस तरह के और भी प्रयोग कर रहे, जी हाँ और लोग भी प्रयोग कर रहे हैं और हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था। रंजना जायसवाल जी ने कहा है, बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। तो अब हम इस ग्रुप के बारे में बात करें, अगर हम इस ग्रुप के बारे में बात करें तो उससे पहले हम क्यों ना पूनम अहमद जी से अगर कुछ कहना चाहें, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहे, सबसे पहले मैं पूनम अहमद जी से कहूंगी कि आप अगर कुछ कहना चाहें तो, जी जी जरूर कहना चाहूंगी, बिल्कुल मैं जरूर कहना चाहूंगी। इस बैठक का आज हिस्सा बनने पर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत नई चीज थी ये, और आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया, और यहाँ मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया है। और यहाँ जितने भी उपस्थित सब सुधीजनों को मेरा हार्दिक धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये मजा आता रहेगा क्योंकि हम लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे। बिल्कुल पूनम पाठक जी आप कुछ कहना चाहेंगी? बस सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये बेहतरीन मंच उपलब्ध कराया हम सभी को, और जो बचपन के जितने सारे हमारे शौक थे वो अब फिर पूरे हो रहे हैं। काफी बाद हम इस मंच पे आए हैं, ऐसे मंच पे ऑनलाइन, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ पूनम मित्तल जी हैं, पूनम मित्तल जी आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो शो है ना, ये दिस इज लाइक ओपन टू ऑल, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कहानी सुना सकते हैं तो प्लीज राजू जी को लिखें, और हो सकता है नहीं नेक्स्ट टाइम आप ही कहानी सुना रहे हो, कोई भी लड़का लड़की बच्चा, और या कोई अगर अच्छी कहानी लिखता है तो वो राजू जी के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी कहानी सेलेक्ट हो जाए और फिर हम नेक्स्ट टाइम आपकी कहानी पढ़ रहे हो। तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया पूनम, आपने अनीता आपने मेरी बात कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात है, हम यही चाहेंगे कि आप सब जुड़े हमसे, और ये तो अभी हम चार लोगों ने मिलकर प्रयास किया है, और अगर आगे आप लोग ऐसे हमसे जुड़ते रहे तो हम और भी कहानियां सुनाएंगे। आप अगर कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें, और अगर कोई कहानी पढ़ने में किसी की दिलचस्पी हो तो वो भी जरूर हमसे संपर्क करें, और हम जरूर ये चाहेंगे कि हमारा ये जो ग्रुप है ये और विशाल हो, ताकि अगली कहानी में मुझे
इच्छाधारी रूप ना धारण करना पड़े। मेरे पास, हम लोग के पास पात्रों की जैसे किरदार जितने हो तो उसके हिसाब से हमारे पास एक्टर भी हो, किरदारों के हिसाब से लोग भी हो हमारे पास, तो वो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की शाम को यहीं पर विराम देते हैं। अनिल त्रिवेदी जी का फोन आया, मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है, कमाल का अभिनय किया पूनम दीदी, कीर्ति शुक्ला त्रिवेदी जी ने ये लिखा है। और प्रीति रावत जी हैं, क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू प्रीति। अब अच्छा होता कि अगर नाम से, पात्रों के नाम से अगर बता देती, क्योंकि नील तीन पूनम है, लेकिन आप लोग पहचान कर बताते जाइए। सुधा देव जी ने कहा, आप सभी का प्रस्तुतिकरण शानदार रहा, बहुत धन्यवाद सुधा जी। थैंक यू सुधा जी। वंशिता पाठक जी है हमारे साथ, शानदार कहा है उन्होंने, बहुत शुक्रिया आपका भी। और पूजा स्वराज जी ने पूछा है पोएम्स के बारे में, तो उसके लिए काव्य गोष्ठी हमारी एक संध्या होती है हर शनिवार को, उसमें हम कविताओं की बात करते हैं, उसमें आपका स्वागत है, आप अपनी कविताएं भेजिएगा। और साहिल अहमद जी ने कहा है, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा गया, देखिए पढ़ लिया गया, आपने कमेंट क्या दिया, तो देखिए हमने पढ़ लिया है, आपने कुछ अच्छी सी बात आप लिख दीजिए अगले कमेंट में, तो वो भी मैं पढ़ लूंगी, और मैं भी हूँ यहाँ पर। और चंद्र प्रभा सिंह जी ने कहा है, बहुत सुंदर पूनम दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, अगर आप कहानियां भेजना चाहते हैं या बोलने, कहानी बोलने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है prakashak.in@gmail.com। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमारा ईमेल आईडी है prakashak.in@gmail.com। तो उस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं, अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। पल्लवी जी ने कहा है, आज की शाम मजेदार हो गई, शुक्रिया पल्लवी, आपके आने से हमारी शाम बहुत खूबसूरत हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहिन खान ने कहा है, उन्होंने तीनों पूनमों को दिया है और मुझे भी दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा आपके जुड़ने से। पूजा स्वराज जी ने कहा है कि उन्होंने स्टोरीज के बारे में आपको ईमेल आईडी बताया है, आप इस ईमेल आईडी पर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैसेंजर पर भी आप इस तरह के संदेश भेज सकते हैं, मैसेंजर पर इस बात पर जवाब दे देंगे। पूजा स्वराज जी, आपकी और जो भी जिज्ञासाएं हो उनके बारे में आप मैसेंजर पर अपनी क्वेरीज भेज दीजिए, तो हम उसका जवाब दे देंगे। आज की इस शाम को अब विराम देने का समय आ गया है, और मैं विराम देने से पहले अपनी तीनों पूनमों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि सभी अपने व्यस्त समय से इतना समय निकालना, हम लोगों ने रिहर्सल किया, हम रोज रिहर्सल करते थे, और सभी, कोई भी अगर किसी ने भी अच्छे अच्छे जो भी सुझाव दिए, हम तीनों में से चारों में से जो भी सुझाव देता था उस सुझाव को सुना जाता था, और उस पर बकायदा बात करके अगर वो अच्छा लगता था तो फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश हुई, और बड़ी अच्छी कोशिश हुई। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे, और किसी बहुत अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।